करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में वेरिएबल्स हो गए थे और आइडेंटिफायर्स हो गए थे, सारी चीज हुई थी। फिर उसके बाद हमारा आया था, मैंने पाइथन के डेटा टाइप के बारे में आपको डिस्कस कराया। पाइथन के डेटा टाइप के बारे में जब डिस्कस करा रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया था क्या कि पाइथन में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप, डिक्शनरी, बुलियन, सेट और सिक्वेंस। तो न्यूमेरिक के अंदर आपको बताया था मैंने इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का ऑपरेशन आपने परफॉर्म करके देख लिया होगा, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, आपको पता ही है मैथमेटिक्स में कि आपको पता ही होगा कि इंटीजर्स का कैसे ऑपरेशंस होते हैं और किस तरीके से उनके रिजल्ट आते हैं। ओके, फ्लोट फ्लोट क्या होता है, डेसिमल नंबर्स होते हैं, तो फ्लोट का भी आपने मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, इनका क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, बहुत सारे जो भी आपने मैथ में आप करते हो ना, अर्थमेटिक्स में आपने यूज किया ना इंटीजर्स, फ्लोट का, नंबर का। ओके, तो वो सारे ये आप पाइथन में भी कर सकते हो, किसके थ्रू, पाइथन प्रोग्रामिंग में। इसी के थ्रू हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे थे फर्स्ट और सेकंड क्लास में, इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स की। ओके, देन पाइथन में हम आते हैं दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो क्या है, सिक्वेंसिंग का पार्ट है। क्या है, सिक्वेंसिंग का पार्ट। सिक्वेंसिंग के पार्ट में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग से स्टार्ट किया था। तो आप अगर किसी नोट नहीं किया तो ये आपको माइंड में रखने ही है, ये आप पाइथन डेटा टाइप, तो ये डायग्राम आप नोटबुक में नोट कर लेना। और वैसे अगर मैंने इसको क्या किया है, आपको शेयर भी कर दिया है, आप अपने कैनवास पे जाके चेक करोगे तो ये आपको मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आगे वाली जो स्लाइड है वो भी मिल जाएगी। तो ये डेटा टाइप समझ में आया आपको, यस सर। और बहुत सारे स्टूडेंट न्यू भी होंगे तो उनको थोड़ा सा ये भी बता दूं, कीवर्ड्स जो यहाँ पे पहली वाली स्लाइड थी उसमें कीवर्ड थे, रिजर्व वर्ड होते हैं पाइथन में, आइडेंटिफायर जो आप नेम प्रोवाइड करते हो वेरिएबल्स को, फंक्शन को और क्लास को। कीवर्ड 33 थे हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में, ये सारे इसकी लिस्ट किया हुआ है इसमें, फॉल्स, नॉन और नन और ये ट्रू, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, अदर होते हैं वो सब क्या है, स्मॉल लेटर से हैं 33 सभी में। कीवर्ड सब याद करने पड़ेंगे ना। वो अपने आप याद हो जाएंगे जब आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करोगे। ओके, हाँ, तो ये यहाँ पे ये भी बहुत सारे कीवर्ड हैं, ये सब यहाँ पे इनकी लिस्ट दी है। ओके, फिर आपको रूल्स बताए थे आइडेंटिफायर्स के, कि आप किस तरीके से आइडेंटिफायर्स को राइट करोगे, तो यहाँ पे आपका ये लेटर ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें दी हैं, आपको इसको रीड करना है, तो मैंने दो बार और पढ़ाया है आपको। ओके, देन इसके बाद आपका आता है किसका, जी डेटा टाइप का, पाइथन डेटा टाइप में, पाइथन डेटा टाइप में ये टाइप थे, इनमें हमने इंटीजर्स और फ्लोट के ऑपरेशंस हमने देख लिए हैं। अभी हम सिक्वेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सिक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सब का एक सिंगल यूनिट होता है। आपको हर क्लास में, जैसे आप 11th 12th में पढ़ोगे तो। ओके, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस वाली स्लाइड को आप चेक कर लेना, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो इस स्लाइड में तो मुझे अभी भी पूछ लो, नहीं है तो फिर मैं अभी नया स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। ओके, सर आपको स्ट्रिंग बता दीजिए। हाँ स्ट्रिंग बताने वाला हूँ। तो स्ट्रिंग का जो पार्ट है वो किसके अंदर आता है, सिक्वेंस टाइप के अंदर आता है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग क्या होता था, आप डबल कोट के अंदर जो भी टाइप कर रहे हो वो क्या होता है आपका, स्ट्रिंग हाँ स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर जो भी आप टाइप करोगे वो होगा आपका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग, अभी जैसे मैं एक प्रोग्राम भी ले लेता हूँ, मैंने आपका एक प्रोग्राम बनाया था ITLE में, सारी क्लास के लिए कॉमन प्रोग्राम है, ओपन। ओके, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं देखो, यहाँ पे आपको सेकंड लाइन में ये जो चीज दिख रही है ये क्या है, राहुल यहाँ पे टाइप है, वो सर, एक ये क्या है, स्ट्रिंग है, हाँ स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है, सेट ऑफ करेक्टर्स होता है, क्या होता है, सर सेट ऑफ करेक्टर, करेक्टर सर या कुछ भी जो भी है करेक्टर्स। ओके, तो ये इसका, बट जो भी चीजें किसके अंदर है, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर है, वो सब क्या होंगी आपकी, स्ट्रिंग कंसीडर किया स्ट्रिंग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक स्ट्रिंग है डबल कोट के अंदर, बट ये वाली जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, कॉन्स्टेंट है, हार्ड कोडेड है, इसका आगे कई प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाओगे। इस वाली स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो कभी भी आगे प्रोग्राम में, नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपने इसको इसमें पास कर दिया, किसमें? फंक्शन के अंदर। तो यू ये वाली स्ट्रिंग कहलाएगी, वो क्या होगी आपकी? कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग होगी। कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं हम? लिटरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल्स। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या है आपके? लिटरल्स है। ओके, अब स्ट्रिंग जो प्लस में भी वो लगे हुए थे ब्रैकेट्स और इनवर्टेड कॉमास, तो वो हाँ वो भी उनकी भी कह रहा हूँ, वो भी लिटरल प्लस में लगे हुए थे ये वाले। ओके बोल, ये इसकी कह रहे हो ना ए फोर की? नो सर। वो तो प्रिंट ए फोर स्प्लिट ए फोर स्प्लिट। ओके, वो अभी उससे बाद में डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम ये चीज देखते हैं। यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रिंग है वो कैसी है आपकी? हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? लिटरल बोलूंगा, इसका कहीं यूज नहीं करता। बट अगर मैं इसी वाले स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूं, क्या करा लूं? वेरिएबल में स्टोर करा लूं, तो अगर वेरिएबल में कोई भी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी तो क्या होगी फिर वो? आप अपने प्रोग्राम में 1000 बार, 10000 बार, कितनी बार भी यूज कर सकते हो। बात समझ में आया आप लोगों को? अगर मैंने वेरिएबल के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को पुट कर लिया तो आप उस वेरिएबल को आप अपने प्रोग्राम में कितनी बार भी यूज कर सकते हो। तो ये वाली आपको बात क्लियर हुई? ये वाली जो स्ट्रिंग है वो लिटरल्स है, और ये वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल है। ओके, समझ में आया स्ट्रिंग वेरिएबल? स्ट्रिंग वेरिएबल, हाँ स्ट्रिंग एज ए वेरिएबल। अब जैसे ए वन क्या है आपका? वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के अंदर आपका क्या स्टोर है? स्ट्रिंग स्टोर है। ओके, हाँ ये यहाँ पे एज, एज को मैं बता रहा हूँ, एज क्या है? ये वेरिएबल, वेरिएबल है। बट इसका जो टाइप है वो क्या है आपका? इसका जो टाइप है वो इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। हाँ, A1 का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अगर मैं इसका B का टाइप बताऊं तो B का टाइप क्या होगा बताओ मुझे? फ्लोट। 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 तो यही तो डेटा टाइप है पाइथन में, जो आपको मैंने अभी रिसेंटली आपको समझाए थे, जो डेटा टाइप बताए थे ना, ये यही तो है आपके। जैसे किसी भी वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो? इंटीजर कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, स्ट्रिंग कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, टपल कर सकते हो, सेट कर सकते हो, बूलियन कर सकते हो, और डिक्शनरी कर सकते हो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में आई और जे होता है, रियल और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो वो अभी मुझे कोई एग्जांपल अच्छा सा नहीं मिला था इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया अभी। ओके, सिंपल था, आपको उसमें आपकी बुकलेट में भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ओके चेक कर लेना, उसमें कुछ नहीं। जैसे टू टू आई प्लस थ्री जे, इस तरीके से आप जो रियल नंबर नहीं होते वो, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अच्छे से आपको मैथ में, जिसमें मैथ में भी आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें दो पार्ट्स होते हैं ना, रियल और इमेजिनरी, दो पार्ट्स होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैथ वाली चीजें डिस्कस नहीं कर रहा इसलिए अभी उसको स्किप किया हुआ है। ओके, तो ओके सर, हाँ सर, ये जो इमेजिनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स में आते हैं? हाँ दोनों होते हैं ना, रियल और इमेजिनरी नंबर, इस तरीके से दोनों ऐड हो जाते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ऐसे करके होता है कुछ। ओके, मैं कोई एग्जांपल अच्छा सा मुझे मिलेगा मैं आपको करा दूंगा। ओके, टेंशन फ्री होकर रहो। ओके, इतना क्लियर हुआ? यस सर। हाँ तो अभी जैसे, हाँ ये देख लीजिए, अब यही तो चीज मैं आपको बताने वाला था। आपके रिकॉर्डिंग ऑन है? ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है? ऑन है। तो ओके, तो ये आपको यहाँ से इतना क्लियर हुआ कि वेरिएबल्स का टाइप कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी कर सकते हो आप, फ्लोट भी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग। तो अभी आपने जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स देखे थे उनके ऑपरेशन आपने चेक कर लिए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीजें कर सकते थे। ओके, उसके बाद आपने क्या देखा था? फ्लोट वाले भी किए थे, फ्लोट वाले में भी आपने बहुत सारी चीजें चेक की थी। उसके बाद आप स्ट्रिंग पे आ चुके थे, स्ट्रिंग में जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे स्ट्रिंग को, तो सबसे पहले उसको किसमें स्टोर करोगे? वेरिएबल के अंदर। अब A1 जैसे एक वेरिएबल है और यहाँ पे A2 वेरिएबल है, तो अब अगर मैं दोनों वेरिएबल्स को ऐड कराना चाहता हूँ, मतलब दोनों को ऐड कराना चाहता हूँ, सिंपल सा ऐड वाला सिंबल यूज करूंगा और सिंपल सा इसको प्रिंट करा दूंगा। और प्रिंट करा के अगर A3 को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, A3 के अंदर क्या प्रिंट होके आएगा मुझे बताएगा कोई? A1 plus A2. A1 की वैल्यू क्या है आपकी? राहुल। और A2 की वैल्यू क्या है? वो यार वॉइस इज कमिंग लो। ओके,
अभी आप सभी को प्रॉब्लम हो रहा है मेरा वॉइस का या फिर किसी पर्टिकुलर? सर बिल्कुल बढ़िया आ रही है आपकी आवाज। तो ईयरफोन्स लगा सकते हैं ये लोग? हाँ ईयरफोन्स लगा लीजिए। हो सकता है मेरा वर्क थोड़ा माइक प्रॉब्लम हो, मैं नया माइक ले लूंगा कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम बाद नया माइक ले लूंगा तो थोड़ा सा अच्छी आवाज आएगा। अभी मेरे पास थोड़ा सा महंगा वाला माउस वो नहीं है माइक, इस वजह से मेरी वॉइस थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नहीं आती। ओके अभी मार्केट नहीं ओपन हो रहा, नहीं तो मैं वो भी यूज कर लेता। ओके तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा, यहाँ पे राहुल ऐड हो गया है, यहाँ पे थर्ड वाला जो ये दिख रहा है ना, ये राहुल सैन या सैन, ये सारी चीज आई है, ये ऐड हो के आई है। इट मीन्स यहाँ पे A1 के अंदर क्या स्टोर था? राहुल। राहुल A2 के अंदर ये जितनी भी स्ट्रिंग है SEN TSYA और ये भी जो इसमें उन्होंने ब्रेक कर दिया है वो सारी चीज, तो ये दोनों ऐड होके A1 और A2 A3 में आया, और A3 को मैंने कर लिया प्रिंट। ये प्लस वाला साइन करके मैं क्या कर सकता हूँ, दो स्ट्रिंग को जोड़ सकता हूँ। कितना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स का? यस सर। यस सर। ओके इसके बाद मैंने आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, वो बताया था इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या होती है किसी भी स्ट्रिंग की? तो इंडेक्सिंग आप दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और दूसरी जो इंडेक्सिंग होती है वो क्या नेगेटिव होती है। अगर वो सामने से आप फर्स्ट लेटर से इंडेक्सिंग करोगे तो आपकी इंडेक्सिंग होगी वो क्या होगी आपकी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके अगर आप लास्ट वाले लेटर से लेके आते हो तो -1 से स्टार्ट होगी और माइनस में बढ़ती जाएगी, तो वो होती है नेगेटिव इंडेक्स। इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ओके तो अब आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात चल रही है, तो मैं अगर जानना चाहूँ जो राहुल है ना A1 स्ट्रिंग, तो उसमें अगर मैं इंडेक्सिंग चाहता हूँ तो इस वाले यू की अगर इंडेक्सिंग मैं चेक करना चाहूंगा तो क्या होगी? सर 3 होगी। -2 सर 3 होगी। ओके तो मैं इसको चेक करता हूँ, आर की क्या होगी? 0 0 से स्टार्ट होता है, ए का 1, एच का 2, यू का 3। तो A1 की इंडेक्सिंग क्या होगी? इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तो अगर मैं 3 इंडेक्सिंग यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो जो ये वाली चीज है वो इंडेक्सिंग है किसकी? इसकी, इस राहुल की, यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो इसके जो 3 नंबर का जो इंडेक्स है, जैसे यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या हुआ? आर का 1 हुआ, 0 हुआ सॉरी, ए का 1 हुआ, एच का क्या हुआ? 2 हुआ, यू का 3 हुआ, एल का 4 हुआ। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 की अगर मैं वैल्यू चेक करूंगा तो क्या आएगी मेरी वैल्यू, बताइए मुझे? यू आ जाएगा। सर अगर 3 के आगे कॉलम लगा देंगे तो U के पहले वाले भी आ जाएंगे ना? 3 के आगे कॉलम -2 भी लिख सकते हैं, वो मैं अभी बता दूंगा, स्लाइसिंग होता है वो। ओके तो यहाँ पे मैंने ये किया तो ये यहाँ पे U प्रिंट होके आ जाएंगे, दिख रहा है ना ये वाला U? यस सर। हाँ यस सर। हाँ तो ये वाला U इस वजह से प्रिंट होके आ गया क्योंकि ये वाला आपने ये। ओके -2 की भी लिख सकते हैं ना U को प्रिंट करने के लिए? अगर नेगेटिव में करोगे तो -1 किसका हो जाएगा? एल का। -2 किसका हो जाएगा? इसका। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी इंडेक्सिंग में, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, उनके लिए मैंने एक इमेज रखी हुई है, इस इमेज के थ्रू वो क्लियर देख सकते हैं। इस इमेज में एक स्ट्रिंग दी है, उस स्ट्रिंग का नेम क्या है? पाइथन। तो पाइथन के अंदर आप जो उसका किया गया है, ओके हाँ पाइथन के अंदर आपको 0 से इंडेक्सिंग किया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर इसको माइनस से किया हुआ है। तो इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके यस सर। तो यहाँ से आपको इंडेक्सिंग समझ में आ गया होगा। ओके तो उसको फास्ट फास्ट हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ इंडेक्सिंग इतना हुआ, वेट। तो सभी को इंडेक्सिंग समझ में आया होगा? इंडेक्सिंग के अलावा, इंडेक्सिंग के बाद आपको ये ट्रिपल इनवर्टेड कॉमा किसके लिए यूज होते हैं? स्ट्रिंग के लिए, ताकि हम अपनी स्ट्रिंग को कंटिन्यू कर सकें। हाँ पैराग्राफ के लिए, जैसे अगर आप पैराग्राफ टाइप करना चाह रहे हो या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करना चाह रहे हो तो ट्रिपल इनवर्टेड कॉमा यूज करोगे। ओके देन इसके बाद सर आप ये दिखा सकते हैं? क्या चीज? इसका एग्जांपल बताना है सर? ये ट्रिपल। यस सर एग्जांपल। एग्जांपल के लिए जैसे सिंपल था, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग ले सकते हो, कुछ भी नाम दे दीजिए, A12 का नाम दे दिया मैंने इसका, इसमें आप कुछ भी टाइप कर दीजिए ट्रिपल इनवर्टेड कॉमा में, इट इज, और यहाँ पे मैं
कोड कुछ भी टाइप कर रहा हूँ प्लेजर और यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, तो आपने ये मल्टी लाइन में स्ट्रिंग दे दिया इट इज कोड प्लेजर, आपने ये नया लाइन फिर नया लाइन फिर नया लाइन। अगर आप इस चीज को प्रिंट कराना चाहोगे तो आप ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में, अगर आप इसको सिंपल इसको प्रिंट कराना चाह रहे हो, अगर देखना चाह रहे हो आउटपुट प्रिंट के अंदर आप क्या पास करोगे ए वन टू, और इसको अगर प्रिंट कराओगे तो आपका आंसर क्या आएगा जो भी आपने मल्टी लाइन में आपको स्ट्रिंग दिया है वो सब आ जाएगा, ये इट इज गुड प्लेजर, ये दिख रहा है आपको ये आउटपुट, ये किसके थ्रू है मल्टी लाइन में ही आउटपुट आया सब पैराग्राफ में लिखने के लिए। हाँ पैराग्राफ लिखने के लिए आपको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं। ओके सर इट अगर इट के बाद लिखते हैं तो क्या इज है ना वो इट के बाद लिखें तो इसको किसके बाद लिखना है इट के बाद। हाँ लिख सकते हो कहीं पे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी कुछ टाइप कर सकते हो वो तो मैंने सिर्फ बता दिया आपको, आप कहीं पे भी कुछ भी टाइप कर सकते हो, ये तो मैंने एक बर्ड की तरह से बता दिया, कुछ भी टाइप करोगे प्रॉपर आपका आउटपुट आएगा। ओके ओके क्लियर हो रहा है सर, बस ये है कि आपको लिखना किसके अंदर है ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा क्या करना है बाद में क्लोज करना है। ओके तो इतना क्लियर हुआ यस सर क्लियर हो गया। हाँ तो ये इसका था क्या आपका मल्टी लाइन के लिए, मल्टी लाइन के बाद मैंने आपको बताया था स्लाइस इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ये हो गया था, देन आपका स्लाइसिंग बता दें, स्लाइसिंग में क्या होता है स्लाइसिंग में एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है उसमें से आप क्या कर सकते हो स्लाइस कर सकते हो उसको बीच में से काट के लेके आ सकते हो, जैसे हेलो वर्ड है इसमें से आपको डबल हेलो को काटना है तो वो भी काट सकते हो, इसमें बर्ड को निकालना है तो बर्ड को निकाल सकते हो, तो स्लाइस का मतलब यही होता है जैसे स्लाइस करते हैं ना हम तरबूज वगैरह को स्लाइस करके निकाल लेते हैं उसमें से कट करके, तो ऐसे ही करके ये किसी भी स्ट्रिंग से कट करके निकालने की चीज को क्या बोलते हैं हम स्लाइसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्लाइसिंग हो रहा है तो स्लाइसिंग कैसे होना है, जैसे हेलो वर्ड है तो यहाँ पे इंडेक्सिंग से स्लाइसिंग होता है, तो इंडेक्स नंबर टू से स्टार्ट होगा स्लाइस, तो टू कहाँ है आपका एस को मिला जीरो टी को मिला वन एल को मिला टू, तो एल से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक फाइव से एक कम, तो एल आ जाएगा टू पे, सेकेंड वाला एल आ जाएगा थ्री पे और ओ आ जाएगा फोर्थ पे, तो फोर्थ तक स्लाइस कर लेगा टू थ्री फोर, थ्री करेक्टर को इससे निकाल लेगा, अगर इसको प्रिंट कराओगे तो ए डबल एल ओ ये प्रिंट हो क्या जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को ये वाला भी क्लियर हो रहा होगा। यस सर। किसी का डाउट था ना स्लाइसिंग का वो क्लियर हो गया होगा, स्लाइसिंग कहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ अगर ये यहाँ पे आपने पॉजिटिव लिया हुआ है तो ये पॉजिटिव हो गया, अगर इसको माइनस लेके रखना चाह रहे हैं तो माइनस भी कर सकते हो आप, माइनस यहाँ पे इसको क्या बोलूंगा माइनस टू बोलूंगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये टू है ये थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है, तो मैं अगर माइनस सिक्स से स्लाइस करना चाह रहा हूँ तो माइनस सिक्स से अगर मैं स्लाइस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं स्लाइसिंग के लिए क्या यूज कर लूँ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग के लिए मैं फिर से एक नया ये यहाँ पे स्लाइसिंग के लिए ओके यहीं पे कर लेता हूँ प्रिंट ए वन को स्लाइस कर लेता हूँ। ओके ये यहाँ पे दिख रहा है ए वन या ए टू, ए टू में ज्यादा करेक्टर है तो इसलिए स्लाइस कर लेता हूँ। ओके मुझे यहाँ से क्या चाहिए ये चाहिए एस ई एन चाहिए सेम, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताएगा कोई स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ये वाला मुझे चाहिए ये कट। हाँ सर माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर प्लस से और उसका जो इंडेक्स नंबर होगा उसे रेशियो में कर सकते हैं। अभी इंडेक्स नंबर 5 होगा। हाँ तो आप माइनस भी कर सकते हो प्लस भी कर सकते हो, चलो इसको माइनस करते हैं पहले सर, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो माइनस 9 से स्टार्ट होने वाला है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है माइनस 9 ऊपर आ गया राइट। ओके माइनस 9 से स्टार्ट होने वाला है तो मैं यहाँ पे माइनस 9 करूंगा। ओके माइनस 9 किया मैंने देन कॉलन और मुझे जाना कहाँ तक है माइनस 11 माइनस 1 तक, 1 बाद वाला है ना माइनस 1 हाँ फिर डॉट रन करूंगा मैं इसको, रन करने के बाद मुझे आउटपुट मिलेगा तो मुझे आउटपुट क्या मिला ये वाला आउटपुट मिला है। ओके
बाकी सबको हटा दूं क्या? कंफ्यूज तो नहीं कर रहे बाकी जो आउटपुट आ रहे हैं? सर अगर हम जीरो लिखते हैं आगे में तो कमेंट आ जाएगा सर, उन्हें कमेंट आउट कर दो। कमेंट आउट किसको? हाँ अरे हैशटैग लगा दो। ओके ओके हाँ ओके राइट राइट, मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ जो पर्टिकुलर जो भी है, बाकी के जो प्रिंट है उनके सामने मैं हैश लगा देता हूँ कमेंट। ओके ये भी समझ लीजिए, ये भी मुझे बाद में बताना पड़ता, ये जो हैश यूज करते हैं उससे क्या हो जाता है, लाइन कमेंट हो जाता है, मतलब ये वाला लाइन नहीं चलेगा। इसको जो है आपका सिस्टम क्या कर देगा सर, डॉक स्ट्रिंग लगा के पूरा सेंटेंस भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं मल्टी लाइन के लिए। हाँ डॉक स्ट्रिंग। हाँ हाँ तो मैं अभी आपको सिंगल लाइन से इसको कमेंट कर दूँ जो है सेम। सर ये आपने प्रिंट करके ये हैशटैग लगाया है उससे क्या होगा? उससे ये हो जाएगा ये कमेंट आउट होते हैं। इसको ये हो जाएगा, ये आपका जो कंसीडर नहीं होगा इस कोड में, ये इस वाली लाइन को कंपाइलर इग्नोर कर देगा, ये बोलेगा ये है ही नहीं। ओके सर इसका रिजल्ट शो नहीं होगा ना? हाँ इसका रिजल्ट शो नहीं होगा, मतलब ये वाली लाइन चलेगा नहीं, इस वाली लाइन को वो ये बोलेगा कि हाँ ये आपकी पर्सनल लाइन है। ओके इसको वो कोड की लाइन नहीं मानेगा, ये मान लीजिए। ओके ओके मैं रन कर रहा हूँ, मैं रन करता हूँ तो थोड़े से कम आउटपुट आएंगे। अब मेरे पास कितने, अभी भी इतने सारे आउटपुट आएंगे, ऐसा क्यों? प्रिंट क्या यही है ना? ओके सिलाई 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 अभी भी इतने सारे आउटपुट आए। ओके पहला वाला, पहले वाले को भी कर देता हूँ। अब देखो अब सबसे पहला जो आउटपुट आएगा मेरा प्रिंट वाला वो कौन सा है? ये वाला आएगा, ये स्लाइसिंग वाला। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ, स्लाइस वाला 9 to 12 11 1 वाला आएगा पहला आउटपुट। तो स्लाइस करके जो पहला वाला आउटपुट है वो क्या है आपका? -9 से स्टार्ट हुआ है तो -1 तक गया। तो -9 पे क्या था? एस था। तो यहाँ से -9 -8 -7 इस तरीके से कहाँ तक आया आपका? -1 तक आया। तो -1 को इसने प्रिंट नहीं कराया, किसको नहीं कराया प्रिंट उसने? -1। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है इसको -1 को ना प्रिंट कराने का, क्योंकि लास्ट वाले को प्रिंट नहीं कराता कभी। ओके अगर आप इसको कंप्लीट प्रिंट कराना चाहते हो तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ओके तो ये -9 से उठाएगा और लास्ट तक प्रिंट करा देगा। जैसे अभी इसको मैं रन कर रहा हूँ तो ये देखो ये ए भी आ गया, पहले वाले में ए नहीं आया था बट इस वाले में ए आ गया। क्यों? क्योंकि इसने लास्ट तक चलाया। स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने दे दिया था इसका, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट दिया है तो उसने स्टार्टिंग पॉइंट से उठाया और लास्ट तक उसने प्रिंट कर दिया। ओके अगर आप चाहते हो क्या, इसको -2 कर देता हूँ मैं लास्ट पॉइंट को और इस वाले को मैं ब्लैंक कर देता हूँ, छोड़ देता सर। तो -2 के पहले के साथ दिख जाएंगे। हाँ -2 इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो ये 0 से उठाएगा और -2 तक एंडिंग पॉइंट तक इसको छोड़ देगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इसने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका? A2 का SEN, यहाँ से इसने उठाया और लास्ट में कहाँ तक छोड़ा इसने? I तक। बाद के ये 2 और 1 को प्रिंट नहीं किया। इतना क्लियर हुआ? एंडिंग पॉइंट उसने आपने सेट किया है, एंडिंग पॉइंट से 1 पहले तक उसने क्या कर दिया है आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया है। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स का? यहाँ पे मैंने अभी ये -2 आपका एंडिंग पॉइंट है और यहाँ पे आपको जो पहला वाला होता है वो क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप कोई भी सेट कर सकते हैं, जैसे -9 किया और -9 से जाके कहाँ तक जाएगा आपका? -2 तक जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 से स्टार्ट करेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे 9 सेट किया है तो -9 सेट किया है तो -9 से क्या करेगा? प्रिंट करेगा। -9 कहाँ पे था आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये था, एस से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये प्रिंट करेगा, ये आई तक, बाय और ए को छोड़ देगा। रीजन क्योंकि आपने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेट किया। अगर आप कम्प्लीटली एंड चाहिए तो लास्ट वाले को क्या कर दोगे? हटा दोगे। लास्ट वाले को हटा दोगे तो ये कम्प्लीटली क्या है? लास्ट तक चला जाएगा। ये देखिए आउटपुट क्या आया? 37 कंप्लीट हो गया। तो ये सिंपल सा आपको स्टेप था, ये आपको क्लियर हो गया होगा? यस सर क्लियर हो गया। देन इसके बाद आपको मल्टी लाइन वाला भी क्लियर हो गया, स्लाइसिंग भी क्लियर हो गया होगा। ओके स्लाइसिंग के बाद आपको
यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन करा दिया था मैंने, स्लैशिंग के आगे क्या कराया था वो बताओ मुझे, लेंथ फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर स्ट्रिंग की? सर नो, ये नहीं कराया था आपने? नहीं कराया था सर, करवाया था, थोड़ा बहुत करवा दिया था। ओके ओके ओके, लेंथ भी मैं बता देता हूँ। ओके, तो लेंथ क्या होती है, कोई भी स्ट्रिंग की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे कितने हैं इस वाली स्ट्रिंग के अंदर, इस वाली स्ट्रिंग के अंदर कितने हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इनको अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेंथ वाला फंक्शन यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? तो यहाँ पे लेंथ यूज किया मैंने, और इसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, ए टू। ओके, ए टू को मैंने पास कर दिया लेंथ के अंदर। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो मैंने प्रिंट किया इसको, ए टू को प्रिंट किया मैंने इसको, तो प्रिंट करके ये क्या दे देगा आपको, ये लेंथ इसकी फाइंड करके दे देगा ए टू को। ए टू की लेंथ आपने वैसे भी मैन्युअली, छोटा है ए टू, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपने फाइंड कर लिया होगी, बट इसकी नंबर ऑफ लाइंस काफी होती तो भी ये आउटपुट क्या दे देता आपका, निकाल देता। यहाँ पे इस लेंथ फंक्शन के थ्रू आपने इसका आउटपुट क्या कितना फाइंड कर लिया, 18। तो ये यहाँ पे आपको ये आउटपुट आया वो किसके थ्रू आया है, लेंथ फंक्शन के थ्रू आया है। किसके थ्रू आया बेटा? लेंथ फंक्शन आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, लेंथ फंक्शन के अलावा और भी चीजें मैं बताता हूँ आपको, और क्या क्या बताने वाला था मैं। हाँ, लेंथ फंक्शन हो गया था। ओके, लेंथ फंक्शन से आप फाइंड कर सकते हो आप, स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, आपके व्हाइट स्पेस रिमूव करता है, मतलब जो भी आपके दोनों साइड में वो भी है क्या, व्हाइट स्पेस जानते हो ना, व्हाइट स्पेस इस मीन्स आपकी स्पेस, जो भी ब्लैंक स्पेस है उन सबको हटा देता है। कहाँ से? सामने से और पीछे से, दोनों साइड से क्या करेगा, व्हाइट स्पेस को हटा देगा। कौन हटाएगा? ये आपका स्ट्रिप फंक्शन। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको स्ट्रिप फंक्शन के बारे में? सर एक बार प्रिंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में जैसे अगर आप कोई भी स्ट्रिंग के सामने बहुत सारे स्पेस दे देते हो और उनको रिमूव करना है, तो उसके लिए आप स्ट्रिप फंक्शन यूज कर लीजिए। देखो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ आपको। एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये है स्ट्रिप फंक्शन, इसको मैं कॉपी कर लेता। हाँ, जो भी सारी चीजें कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ए किसको स्ट्रिप कराना है, मैं ए वन को स्ट्रिप करा देता हूँ। ओके, ए वन को अभी क्या है, जैसे देखो अभी ए वन के सामने मैंने वाइट स्पेस दे दी, कितने सारे स्पेस हैं ए वन के सामने, इसको मैंने कंट्रोल करके सेव कराया। तो सिंपल सा पहले मैं ए वन को क्या करा रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, ए वन को प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे ए वन को मैं पहले में प्रिंट करा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए वन पहले कैसा था अब कैसा हो चुका है। तो मैंने इसको रन कराता हूँ सिंपल सा। ओके, रन कराया तो आपका रन करा के ये ऐसा आया। तो पहले आपका ए वन कैसा आ रहा था बेटा, ये देख रहा है, ये काफी स्पेस थे, बट अगर आपने स्ट्रिप फंक्शन से इसको मैनिपुलेट कराया है तो उसके बाद इसको चेक किया है तो इसके सारे वाइट स्पेस उसने हटा दिए। अगर आगे के वाइट स्पेस भी हटाता है स्ट्रिप फंक्शन, और पीछे के वाइट स्पेस भी हटा देता है, अगर इसके बाद में भी स्पेस होता है ना वो भी चले जाता है। तो ये बात तो आपकी क्लियर हुई? यस सर। किसके बारे में थी? स्ट्रिप फंक्शन के बारे में थी। ओके, स्ट्रिप फंक्शन के बाद और क्या था हमारा? स्ट्रिप फंक्शन के बाद हमारा था लोअर अपर, ये हो गया था हमारा कल लास्ट क्लास में। यस सर, ये वाला करवाया था। हाँ, तो लोअर अपर क्या करेगा आपका, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर वाला लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यस सर। ये आपके ऑपरेशन कौन परफॉर्म करा रहा है, लोअर और अपर फंक्शन। जैसे क्या होता है कई कई बार जो फॉर्म होते हैं ना, तो उनमें आपको यूज करना होता है लोअर अपर ये सारी चीज,
तो आप डायरेक्ट उसमें टाइप कुछ भी करो, वो कन्वर्ट करके किसमें कर देता है आपको, लोअर अपर दोनों में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने बहुत सारे फंक्शंस देखे होंगे, सॉरी वहां पे देखे होंगे आपको, जब फॉर्म फिल करते हो ना आप लोग, कोई भी स्टूडेंट फॉर्म फिल किया हो तो उसमें ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो वो किसके थ्रू होता है, वो अपर फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है ऑटोमेटिकली। ओके ओके, तो ये अपर फंक्शन की फंक्शनलिटीज है। आपने इसको कर लिया था कि करके बताना है मुझे? सर कर लिया था। ओके वेरी गुड, देन उसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेस फंक्शन की। रिप्लेस फंक्शन हो गया था? नो सर। हाँ, रिप्लेस फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा आपको, रिप्लेस फंक्शन जैसे अगर आप कोई भी चीज को रिप्लेस करना चाह रहे हो तो उसमें यूज होगा। जैसे जैसे देखो इसमें क्या है, हाँ जैसे यहाँ पे ये एच, एच को रिप्लेस कराना है मुझे, किससे कराना है, यहाँ पे एच को मुझे रिप्लेस कराना है, किससे कराना है मुझे, सॉरी यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में जैसे हेलो वर्ड है, तो यहाँ पे मैंने एच को क्या किया है, रिप्लेस किया किसे, जी से। सेम हम अपने वाले कोड में यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे राहुल लिखा हुआ है या फिर जो भी सैथिया लिखा हुआ है ऊपर, उसमें से अगर किसी भी लेटर को आप चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैं एल की जगह पे क्या कर लूँ, टी कर दूँ, टी हो जाएगा। तो टी करने के लिए मुझे, हाँ टी करने के लिए सिंपल सा आप क्या करोगे, ए वन आपका जो स्ट्रिंग है उसमें आप क्या करोगे, रिप्लेस, और यहाँ पे आपको फर्स्ट लेटर देना पड़ेगा जिसको आपको रिप्लेस करना है। तो मुझे एल को रिप्लेस कराना है किससे, मुझे टी से कराना है, किससे कराना है, टी से कराना है, मैंने टी से इसको रिप्लेस करा दिया एल को। सर हमें प्रिंट कमांड नहीं देना पड़ेगा क्या बेटा? सर प्रिंट कमांड नहीं देना पड़ेगा? हाँ तो रिप्लेस तो ऐसे हो जाएगा ये। प्रिंट का मतलब ये है कि प्रिंट तो सिर्फ अपने देखने के लिए होता है, जैसे अगर मुझे चेक करना है ये रिप्लेस कैसे हुआ देखने के लिए, तो आप प्रिंट के अंदर डाल दो इसको। तो प्रिंट के अंदर इसको डाल दोगे और इसको आप रन करोगे तो आपका रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, यहाँ पर राहुल की जगह पे क्या आ गया, राहुट आ गया, मतलब राहट आ गया, टी आ गया। ओके एल की जगह पे क्या चेंज हो गया, टी, टी आ गया। किसके थ्रू हुआ है ये, रिप्लेस फंक्शन के थ्रू हुआ है, रिप्लेस फंक्शन। हाँ तो रिप्लेस फंक्शन काफी, सर हम कितने भी लेटर्स रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ एक साथ बहुत, जैसे आपने यहाँ पे एल को रिप्लेस किया टी से, तो जितने भी एल होंगे अपनी स्ट्रिंग में वो सब टी से रिप्लेस होता है। ओके इतना क्लियर हो गया? इनके आगे अपन एक और कॉमा लगा के फिर हमको जैसे ए रिप्लेस करना है तो उसी लाइन में ए भी रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ या उसके लिए दूसरा प्रिंट लिखना पड़ेगा? उसके लिए आप जैसे रिप्लेस फंक्शन में, जैसे यहाँ पे आपके दो पैरामीटर लेके रखा है, तो आपको जैसे एक पहला वाला है जिसको रिप्लेस करना है, और दूसरा वाला क्या है जिससे रिप्लेस करना है। तो अगर आपको दूसरी चीज करना है तो आप दूसरी बार यूज कर लीजिए। ओके जैसे आपको दो बार रिप्लेस करना है तो आप दो बार यूज कर लीजिए, एक ही साथ यूज नहीं हो सकता, एक साथ उसकी जो फंक्शन, जैसे अभी देखो यहाँ पे आप एक साथ क्या कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल करेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे अभी आपसे एज राहुल में यू एल दोनों को रिप्लेस कराया है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इट से रिप्लेस कराते हैं, तो राहुल के आगे क्या आ गया, राह इट आ गया। तो इस तरीके से आप पूरे कंप्लीट एक बर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक कंप्लीटली बर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हो। यस जैसे मैंने यहाँ पे और भी कुछ टाइप कर देता हूँ, राहुल इज कुछ भी, तो ये यहाँ पे इसके बाद में भी मैंने इज टाइप कर दिया, तो यहाँ पे आपको दो बार इज कर दिया। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करना हूँ एज को किससे, दस से, या फिर एज को रिप्लेस करना हूँ मैं किससे, एंड से, या फिर कुछ भी एंड कर दिया मैंने। तो जैसे इसको मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पे एज की जगह पे क्या आ गया, एन 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 आ गया। तो ये आपको दिख रहा है रिप्लेस होता हुआ, तो आप कंप्लीटली बर्ड को भी क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ओके इतना क्लियर हुआ सभी का? यस सर। यस सर। तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को आप इसको रिप्लेस करके इसको चेक करना है। ओके रिप्लेस के अलावा आपको
रिप्लेस हो गया, रिप्लेस के अलावा स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन के बारे में डिस्कस हो गया था लास्ट क्लास में, नो सर, हाँ तो वही चीजें चल रही हैं अभी, आज स्ट्रिंग कंप्लीट खत्म कर दूंगा मैं, ओके। तो जो स्प्लिट फंक्शन है वो क्या होगा, स्प्लिट करने के लिए यूज होता है, जैसे सपोज A1 को मुझे क्या कराना है, स्प्लिट कराना है, किसको, A1 को, तो A1 एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, राहुल इज सेंथिया इज टीचर, तो ये सिंपल सा एक स्ट्रिंग है, इसको मुझे क्या करना है, स्प्लिट कराना है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट कराना है तो मैं क्या यूज करूंगा इसके लिए, स्प्लिट फंक्शन यूज करूंगा, स्प्लिट फंक्शन का मतलब ये है कि इसको ब्रेक कर देगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट फंक्शन टाइप किया और मैंने इसको रन कर दिया, जैसे राहुल ए सेंथिया ये सब जो अभी यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर्स बताए नहीं है इसको स्प्लिट कहाँ से करना है, तो इसने क्या कर दिया कि स्प्लिट कहाँ से करेगा, ये जहाँ से इसको ये स्पेस मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर राहुल उसके बाद स्पेस मिला इसने इसको तोड़ दिया, तो राहुल एक अलग स्ट्रिंग हो गया, इसके बाद स्पेस मिला इसको भी तोड़ दिया, तो इस भी एक अलग स्ट्रिंग हो गया, ये सेंथिया भी अलग स्ट्रिंग हो जाएगा, इस भी अलग स्ट्रिंग हो जाएगा और टीचर भी अलग स्ट्रिंग हो जाएगा, जैसे इसको मैं रन करके आपको बताता हूँ, मैंने इसको रन कराया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्प्लिट होने के बाद आपको कैसा आउटपुट आया है, ये सिंगल कोड के अंदर आया है आपका राहुल, मतलब राहुल एक अलग स्ट्रिंग है, इस अलग स्ट्रिंग है, सेंथिया अलग स्ट्रिंग है, इस अलग स्ट्रिंग है, टीचर अलग स्ट्रिंग है, तो इसने स्प्लिट कर दिया अपने कंप्लीट एक स्ट्रिंग को मल्टीपल स्ट्रिंग में तोड़ दिया, मतलब 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग बना दिए, कितने स्ट्रिंग बना दिए, 5 स्ट्रिंग बना दिए, तो ये वाली बात समझ में आई आपको, अगर किसी भी स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकते हो, हाँ। अब जैसे यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं छोड़ा तो इसलिए बाय डिफॉल्ट कर दिया, अगर मैं यहाँ से इज से स्प्लिट कराना चाह रहा हूँ, किससे कराना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इज टाइप कर दिया मैंने और यहाँ से मैं इसको स्प्लिट करा रहा हूँ, सॉरी ये कंट्रोल चेक, ये नीचे वाला वो स्ट्रिप है, स्ट्रिप मैंने पहले कराया था, स्प्लिट पे आ रहा हूँ, स्प्लिट वाला ये ऊपर वाला है ना, इसको मैं इससे स्प्लिट करा रहा हूँ इस वाले इसको, तो ये करेगा क्या, ये तो यहाँ पे मैंने इससे इसको स्प्लिट कराया तो इसने इसको कर दिया गायब, क्या कर दिया बेटा, इसको कर दिया गायब, तो जैसे इसमें राहुल इज था ना, राहुल को अलग तोड़ दिया, सेंथिया को अलग तोड़ दिया और टीचर को अलग तोड़ दिया, इज को कर दिया सबको गायब, तो इज की जगह से उसने क्या किया, तोड़ा है सब, ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी आपको, यस सर। अगर मैं यहाँ पे इज की जगह पे कोई कोमा होता या कुछ और होता तो वहां से भी वो स्प्लिट कर देता, ओके। तो ये वाला एग्जांपल मैंने नीचे दिया हुआ है, तो नीचे वाले एग्जांपल में आपको मैं सर, हम एक वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे हमने किसी भी एक वेरिएबल के साथ किसी भी एक वर्ड को लिख दिया तो और हमने उसको तो अभी कराया तो था वर्ड को, मैंने इसको एन से किया था रिप्लेस, सभी को दिखा होगा सर, मेरे में नहीं हो रहा, आपका वर्ड रिप्लेस नहीं हो रहा, क्यों, आपने पहले डबल कोट में डाल दिया, सिंगल तो हो रहा है लेकिन अगर मैं पूरा डाल दूंगा तो नहीं, पूरा मतलब एक वर्ड ही तो है, वर्ड जैसे मैंने अभी वहां पे वर्ड यूज किया था ना, इस की जगह पे एन कर दिया था, सभी को दिखा था क्या, मैंने वर्ड ही तो रिप्लेस किया था, इस की जगह पे एन कर दिया था उससे पहले रिप्लेस वाले फंक्शन में, ओके आप उसको करना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे A4 वाला ये है मेरे पास, क्या है, स्ट्रिंग है, A4 वाला स्ट्रिंग सभी को दिख रहा है, A4 वाला स्ट्रिंग सभी को दिख रहा है ना, yes, sir. हाँ, अब A4 वाले स्ट्रिंग में जैसे प्लस प्लस दिख रहा है मुझे, तो मुझे प्लस प्लस से स्ट्रिंग स्प्लिट कराना है, तो ये वाला जो आपको प्लस प्लस से स्ट्रिंग करके आपको दे देगा, ये दिख रहा है ना, ये स्प्लिट फंक्शन यूज किया है और यहाँ पे मैंने प्लस साइन बता दिया इसको, A4 नाम की ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मैं इसको सेव करके मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बीच के प्लस है वो गायब हो जाएंगे, 969 बनाएगा, सॉरी 961 से बनाएगा और बाकी सब आएगा, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट दिख रहे हैं सभी को, 9617 आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, तो ये ब्रेक होके आया है और स्प्लिट कहाँ से हुआ है ये, और अगर हम खाली छोड़ देंगे तो, अगर आप ब्लैंक, क्या ब्लैंक छोड़ दोगे तो वो, जैसे ब्लैंक छोड़ने पे तो मैंने सबसे पहले ही बताया था, जब आप ब्लैंक छोड़ते हो ना, ब्लैंक छोड़ने पे जैसे ये वाला यहाँ पे आपने ये छोड़ा है ब्लैंक, नहीं नीचे वाला सर, नीचे वाली स्ट्रिंग में क्या होगा, नीचे वाली स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा कंप्लीट आके प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ब्लैंक छोड़ते हो तो वो क्या करता है, वाइट स्पेस देखता है, बीच में स्पेस देखता है,
अगर आप इसमें स्पेस दे दोगे तो ये इसको तोड़ देगा, फिर स्पेस ही नहीं मिलेगा उसको, तो ये कम्प्लीटली उसको क्या करेगा, आपको वैसा का वैसा ही रिटर्न कर देगा। वो तोड़ता कहाँ से, अगर ब्लैंक छोड़ोगे तो कहाँ से तोड़ेगा, स्पेस से। जैसे स्पेस यहाँ पे काउंट टू मिलेगा उसको, तो यहाँ से इसको दो बार तोड़ देगा। बट जब स्पेस अगर नहीं दे रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको कम्प्लीटली उसको प्रिंट करा देगा। इतना क्लियर हुआ सभी को, देखना है तो ये देख लीजिए। यस सर, क्लियर हो गया। इसको मैं रन करूंगा तो कम्प्लीटली उठा के देगा। ये दिख रहा है, ये इसको स्प्लिट भी किया है बट एक ही है। इसको स्प्लिट करेगा कहाँ से, जब उसको स्पेस ही नहीं मिला तो स्प्लिट नहीं करेगा। ओके ओके सर। Excuse me, sir. Yes. Sir, मैं ये पूछना चाहता कि आपने जब रिप्लेस फंक्शन पढ़ाया था तो रिप्लेस में एच की जगह पर जे आएगा, तो ऐसा अपने आप नहीं हो सकता कि जे की जगह भी एच आ जाए? जे की जगह पे एच आता है, उसके लिए दूसरा वाला फंक्शन लगा दीजिए नीचे, जहाँ पे जे देखेगा वहां पे एच कर देगा वो। एच की जगह पे सारे जे हो जाएंगे ना, तो एच की जगह पर सारे जे हो जाएंगे। तो अगर जे जे आएंगे, अगर आप जे की जगह पर सारे एच कर दोगे तो फिर तो आपका जो पहला था ना वैसे ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले वो एच को जे में कर देगा, फिर नीचे वाले में जे को एच में कर देगा। ओके ओके सर, समझ गए। अगर आप जैसे कोई स्टूडेंट बोल रहा था एच की जगह तो वो मैंने किया था, वो भी हो रहा था। ओके तो ये हो जाए। ओके जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे और दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो रहा। हाँ जैसे यहाँ पे एच है, ठीक है, यहाँ पे राहुल है, ठीक है, राहुल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आर ए एच यू है। तो यहाँ पे राहुल की जगह पे मैं रोहन को रिप्लेस करता हूँ, यहाँ रिप्लेस फंक्शन के यूज करूँ मैं। ओके तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ पहला वाला। क्या करना है मुझे, ए वन ओके रिप्लेस करना, तो पहले मुझे रिप्लेस फंक्शन यूज करना है। तो रिप्लेस फंक्शन किस में लगाना है, ए वन में। तो ए वन डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस करना किसको है मुझे, राहुल को। किससे रिप्लेस करना है मुझे, रोहन। रोहन तो ये हो गया रिप्लेस। इसको मैं रन कर रहा हूँ, और मैं इसको रन किया मैंने तो आपको इंडेंटेशन में आउटपुट में क्या दिक्कत आ रहा है, प्रिंट। सर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया। ओके गुड, वेरी गुड, इंडेंटेशन में प्रॉब्लम हो गया था। अब इसको मैं रन करूँगा, तो मैंने रन किया तो राहुल की जगह पर रोहन आ गया। आउटपुट में क्या आ गया बेटा, ये दिख रहा है, रोहन इज सेंथिया इज टीचर, ये वाला। तो ये रोहन रिप्लेस हो गया राहुल। ओके सर, अगर हम लोग इज को रिप्लेस करेंगे किसी और चीज से, तो सर जितनी भी बार इज एक सेंटेंस में यूज हुआ है सर, वो सारी बार रिप्लेस हो जाएगा ना? हाँ सारी बार रिप्लेस हो जाएगा। ओके सर, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही बार हो? हाँ वो आपको फिर मैं बताऊंगा आगे, अभी आपको इतना ही कर लीजिए। वो फिर मैं आपको, वो भी चीजें हो जाती है, सब हो जाता है। ओके आपको जहाँ से आपको करना है वो वहां से आपको रिप्लेस करते हैं। ओके ओके सर। सर हम इंडेक्स वैल्यू डाल के रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ वो अभी आपको मैं नेक्स्ट, आपको जो अभी तो स्ट्रिंग ये सिंपल था, आप देख रहे हैं एक कंप्लीटली और ऑपरेशन आएंगे उसमें आपको। ओके ओके तो ये sir. वाला हाँ रिप्लेस वाला, ये वाला कंप्लीट हुआ आपका, स्प्लिट भी कंप्लीट हो गया होगा। यस सर यस। स्प्लिट के बाद यहाँ पे इन इन वाला मैं बताने वाला था आपको। इन इन का क्या यूज होता है, इन आपको बताता है अगर आपकी कोई भी टेक्स्ट के अंदर, जैसे राहुल को आप चेक करना चाह रहे हो, आपकी टेक्स्ट के अंदर आपकी स्ट्रिंग के अंदर राहुल है, तो आप क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। अगर वो अगर मिल जाएगा उसको तो क्या रिटर्न करेगा, वो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो ये बुलियन वैल्यू दिखाएगा? हाँ बुलियन, इसका आउटपुट हमेशा बुलियन में आता है, ट्रू या फॉल्स के अंदर। जैसे सपोज मैं अभी ओपन कर लेता हूँ आपका फिर से, एसटी ओपन कर लेता हूँ ये, इसको ओपन करने के बाद मैं आपका ये हाँ बताने वाला था। हाँ ये यहाँ पे एग्जांपल में कहीं दिया हुआ है डाउन। ओके इन नहीं है तो फिर चलो अपन चेक कर लेते हैं। जैसे देखो
यहाँ पे ए टू है, ए टू के बाद में यहाँ यूज कर रहा हूँ एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ आर के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ क्या ए टू के अंदर यहाँ पे सेन है, या फिर मैं ए वन के अंदर चेक कर लेता हूँ, ए वन के अंदर अगर राहुल है तो वो मुझे क्या रिटर्न करके देगा ट्रू इन किसके अंदर ए वन, तो ये क्या रिटर्न करके देगा आपको ट्रू, ट्रू को मैं प्रिंट करा लेता हूँ किसको आर को, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू कब जब अगर ये प्रेजेंट होगा तो, अदरवाइज क्या हो जाएगा ये फॉल्स आएगा। तो जैसे देखो अभी मैं रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रू आया, रीजन क्योंकि राहुल किसके अंदर प्रेजेंट है, मेरा लैपटॉप बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गया, इसको मैं चार्जिंग का लगा रहा हूँ। ओके तो अभी आपको आउटपुट प्रॉपर दिख रहा है? यस सर। सर एक और बार रिपीट कर, जैसे अगर उसके अंदर आपको मिल जाएगा तो वो क्या दे देगा ट्रू दे देगा, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। सर हमें एन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ज्यादातर रिप्लेस स्ट्रिप इन सब में ये सब लिखना पड़ता है। किसमें सर? ए आई एन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमें देखना है कि वो है या नहीं। हाँ तो ए आई एन तो आपको बताना था कि आपको क्या था उसमें, अगर आप कुछ भी उसमें चेक करना चाह रहे हो वो आपको बता देगा, जैसे ए आई एम आपका था वो चेक करना था तो ए आई एम लिखा था, यहाँ पे मुझे ए आई एम चेक नहीं करना था, मुझे यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे मुझे राहुल चेक करना है तो मैं राहुल टाइप किया है, जो भी आप चेक करना चाहते हो वो सब बता देंगे। जैसे ये वाली सेंटेंस को देखो, यहाँ पे आपने इस ए वन के अंदर राहुल चेक किया है ना, किया है ना? यस सर। तो आपको राहुल को फाइंड करेगा, अगर इसकी जगह पे आप कोई दूसरी चीज चेक करना चाहते हो तो दूसरी चीज फाइंड कर लिख करके बताएगा। ओके ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। एक सेकेंड में फॉरवर्ड चेक कर रहा हूँ। क्या है कि मेरा ये तीसरा क्लास है ना तो मैंने लैपटॉप पकड़ के चार्जिंग पे नहीं लगाया था, हो सकता है यहाँ पे भी फॉरवर्ड नहीं आ रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, जब तक चलेगी तब तक चलेगी क्लास, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, सर वेरिएबल्स का भी रिप्लेस कर सकते हैं? वेरिएबल का रिप्लेस मतलब अभी स्ट्रिंग के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सर? नहीं सर, मतलब मेरा रिप्लेस से क्वेश्चन था। वेरिएबल तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, उसमें तो रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं आती, हम तो ओनली स्ट्रिंग के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अभी। ओके ओके सर, स्ट्रिंग के ऑपरेशन में हम इसको चेक कर रहे हैं सारी चीज को, इस वजह से ये सारी चीजें आ रही है। ओके इतना क्लियर हुआ? एक मिनट में और कहीं पावर चेक, पहले मैं पावर चेक कर लेता। क्या है कि मैं बिल्कुल एक नीचे ऑफिस में आ गया था और अब बताओ, मैंने पावर प्लेस कर दिया, अब बोलो वन बाई वन मेरा वॉइस आ रहा है ना सर स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर, आपका वॉइस आ रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पर रिप्लेस वाला आपको सिखाया था, तो रिप्लेस आप कर सकते हो किसी भी चीज को, जैसे सपोज रिप्लेस नहीं था हमारा, फाइंड वाला चल रहा था। ओके फाइंड वाला चल रहा था ना अभी हमारा टॉपिक। ओके यहाँ पे मैंने इसको फाइंड करवाया किसको, राहुल को, तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो इसने क्या रिटर्न किया था आपको ट्रू रिटर्न किया था। अगर मैं इस राहुल की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ राम कर देता हूँ और इसको मैं सेव करके इसको रन करूंगा, क्या रिटर्न करेगा बताएगा कोई मुझे? ये रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स देगा सर, फॉल्स, क्योंकि है ही नहीं राम। अगर ये राम इसमें अगर नहीं मिलेगा उसको तो वो आपको फॉल्स दे देगा, तो इसे फॉल्स रिटर्न करना। ये इसकी फंसिलिटीज थी किसकी, ये वाली फंसिलिटीज किसकी थी आपकी बताइए सर? ये क्या बोलते थे इसको, इन ऑपरेटर की।
सर अगर इसमें डाले राम नॉट इन और नॉट इन ए तो नॉट इन कर दोगे तो ये ट्रू दे देगा रीजन. अगर उसमें अगर ये नहीं है क्या है आपका अगर ये नहीं है राम तो ये क्या करेगा तो ये ट्रू दे देगा. अगर राम मिल जाएगा तो क्या करेगा वो फॉल्स कर देगा. नॉट इन कर दिया आपने तो इसका मतलब ये है कि ये अगर राम इसमें नहीं है तो ये रिटर्न करेगा क्या ट्रू. देखो मैंने अभी इसको रन कराया नॉट इन किया तो ये ट्रू कर देगा. ये उल्टा है किसका किसका उल्टा है ये कम्प्लीटली इन ऑपरेटर का. ओके सर अगर हमें कोई रिप्लेस्ड में चेक करना है तो रिप्लेस में चेक करना है तो रिप्लेस में चेक करके बता देगा वो. इसे रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे चेक करना चाह रहे हो A1 के अंदर राहुल की जगह रॉन करके तो ये यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे तो प्रॉपर बता देगा. जैसे देखो अभी इसको मैं कट कट कर देता हूँ. कंट्रोल एक्स कर लिया और यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया इसको कर दिया ना इस वाली लाइन में आपने रिप्लेस कर दिया राहुल को रोहन से. ओके तो अब मैं इस A1 के अंदर राहुल को चेक करूंगा तो क्या बताएगा ये राहुल को चेक करूंगा तो क्या बताएगा बताओ मुझे. रोहन को चेक करूंगा मैं तो क्या बताएगा ये. तो मैंने सिंपल सा इन ऑपरेटर यूज किया और मैंने इतना किया आप यहाँ पे और उसको सेव करके मैंने रन करा रहा हूँ. तो मैं रन करा रहा हूँ जब मैंने रिप्लेस कर दिया तो रिप्लेस करने के बाद ये आपका क्या बता रहा है आर आर में इन A1. ओके अभी मैंने यहाँ रिप्लेस तो कर दिया है इसको रोहन को बट मैंने क्या कराया है अभी देखो एक चीज और करना बाकी था और ये यहाँ पर रिप्लेस करा दिया इसमें. ओके ये इसको मैं हटा देता हूँ इसको यहाँ पर A1 के अंदर डाल देता हूँ A1 के अंदर ये वैल्यू डाल देता हूँ. ओके अब मैं आपको कराना चाह रहा हूँ ये इसको रन को रिप्लेस करके आपने क्या कर दिया आप स्टोर कर दिया. अब देखो अब ट्रू आ जाएगा क्योंकि वो मैंने वैल्यूज को क्या नहीं कराया था उसमें हार्ड कोडेड पास कर दिया था किसके अंदर हाँ किसके अंदर पास किया था प्रिंट के अंदर बट यहाँ पे अब प्रॉपर वे में आ गया. जैसे एक रिप्लेस होके किसके अंदर चला गया A1 के अंदर चला गया क्या राहुल की जगह पे रोहन तो सारी जगह चेंज हो जाएगा राहुल की जगह पर रोहन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा. ओके ये वाली बात समझ में आई सभी को. हाँ अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए. ओके तो यहाँ पे मैंने क्या है ये इन और नॉट इन वाले बताए थे. नॉट इन इन के बाद ये कॉन्कैटिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ. देन इसके बाद आपको ये वाला देख लीजिए ये फॉर्मेटिंग वाला है क्या है स्ट्रिंग फॉर्मेट पहले वाला कौन सा वाला ये वाला ये, yes, तो, ये तो मैंने फर्स्ट में ही बताया था दोनों को प्लस कर देता हूँ तो प्लस होके आ जाती है. जैसे हेलो बर्ड ए बी को दोनों को ऐड कर दिया था हेलो बर्ड आ गया. मैंने किया था फिर आया ही नहीं. अच्छा हेलो बर्ड को आपने किया तो आया ही नहीं. मैंने दूसरा वेरिएबल दिया. हाँ मैं भी दूसरा ले लेता हूँ A1 और A2 ये दोनों है. हाँ A1 A2 को मैं कर देता हूँ प्रिंट इसके अंदर कर देता हूँ A3 के अंदर. A3 के अंदर मैंने इसको प्रिंट कराया इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ A3 को दोनों ऐड होके आएंगे. राहुल इसके बाद सेंसिया ये सारी चीजें देखो अभी रन करा देता हूँ मैं इसको. ये देखो ये फर्स्ट वाली जो लाइन है ना पूरी ऐड होके यहाँ तक आ गई. ओके ये वाली बात समझ में आई ना आपको. प्लस वाला क्या कर रहा है ये दोनों लाइन को ऐड करके दे रहा है आपको. ये कॉन्कैटिनेशन है दोनों स्ट्रिंगों का ऐड होना. ओके ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं. इतना समझ में आया आपको सभी स्टूडेंट. yes, जिसको भी नहीं आया वो तुरंत yes, रेज रेज को रेज कर सकता है उसके बाद पूछ भी सकता है डायरेक्ट. ओके ये समझ में आ गया होगा 11 नंबर तो ये 10 नंबर स्लाइड तो उसके बाद 11 पे मूव करूं मैं नहीं तो आप चेक करना कोई भी एरर आए तो मुझे उसका पिक्चर खींच के मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप नंबर पे. ओके यस यहाँ पे मैं 11 नंबर पे आता हूँ. 11 नंबर पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है. इसके बारे में तो स्ट्रिंग फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है. तो जैसे अगर मैं दो स्ट्रिंग को ऐड करना चाहूँ सपोज मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ देख सर A1 2 और A4 ले लो. हाँ ये ले लेता हूँ E1 को ले लूँ
E1 और E2 को, यहाँ पे A के अंदर मैं E1 प्लस E2 कर सकता हूँ क्या? E1 प्लस E2? Yes sir. हाँ. कोई सर आपने E2 को डिफाइन नहीं किया शायद. है ना ये E1 में 20 है और E2 में 45 है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है बेटा? ये तो प्रिंट है ऊपर वाला 20 + 20 = 45 हो जाएगा. हाँ. कितना हो जाएगा सर? 20 45. कुछ भी नहीं आएगा सर, एरर आएगा. हाँ. क्यों? क्योंकि एक वैल्यू है वो स्ट्रिंग है और दूसरी वैल्यू इंटीजर है, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो इंटीजर वैल्यू के साथ होते हैं ना. सर वही तो बोल रहा था मैं आपसे, आपने से डिफाइन नहीं किया, पहले आप इसको एक स्ट्रिंग बना दीजिए या पर्टिकुलर. हाँ, डिफाइन तो है ऑलरेडी, ये है E1 के अंदर भी वैल्यू है और E2 के अंदर भी वैल्यू है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है ये एक स्ट्रिंग है और दूसरा वाला क्या है? इंटीजर. हाँ सॉरी इंटीजर है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर कभी ऐड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. तो ये सारी चीजें आप किसके थ्रू कर सकते हो? फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हो. जैसे फॉर्मेट यूज करोगे फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के थ्रू कर सकते हो. जैसे अभी यहाँ पर एज 36 है और यहाँ पे क्या है, माय नेम इज जॉन, आई एम एज जो भी प्लस करके एज, तो ये भी दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे. ये वो भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं ऐड हो पाएगा. तो इसके लिए आपको करना क्या होगा बताइए मुझे. इसके लिए मुझे सर आपको या तो 36 को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना. हाँ, मुझे यहाँ पे, हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ, वो तो सिंपल सा स्टेप है, बट मैं यहाँ पे फॉर्मेट वाला यूज कर सकता हूँ. क्या फॉर्मेट वाला? क्या यूज कर सकता हूँ? फंक्शन यूज कर सकता हूँ. तो फॉर्मेट फंक्शन यूज करने के बाद मैं आपको क्या कर सकता हूँ, ये दोनों चीजें ऐड कर सकता हूँ. इतना क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर. हाँ, तो फॉर्मेट फंक्शन यूज करूंगा. जैसे कैसे करूंगा? आप फॉर्मेट फंक्शन यूज करने का तरीका देख लीजिए. देखो यहाँ पे ऊपर वाले में वो प्रॉब्लम हो रही थी और नीचे वाले में उसका सॉल्यूशन भी है. सॉल्यूशन क्या है आपका? देखो यहाँ पे मैं ये वाली स्ट्रिंग दिख रही है, ये वाली, ये यहाँ पे एज क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ करता हूँ इसको और को ये करा देता हूँ. ओके, ये देख रहे ये दिख रहा है ना अभी आपको? तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या बनाया मैंने, यहाँ पे आपने एज 36 है और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर मैं एक डालूंगा क्या, कर्ली ब्रैकेट डाल दूंगा, दो कर्ली ब्रैकेट डाल दूंगा. क्या डाल दूंगा बेटा? तो कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो अपना जो टैग ये स्ट्रिंग है वो txt है, उस पर डॉट लगाऊंगा, फंक्शन यूज करूंगा फॉर्मेट और उसके अंदर पास कर दूंगा मैं एज. तो जो एज है वो डायरेक्टली किसके अंदर आ जाएगी? कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी. ये वाली बात क्लियर हो रही है? txt वेरिएबल है. क्या बेटा? वो इन दोनों को ऐड कर देगा. जैसे यहाँ पे txt क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर पास करना चाह रहे हो आप क्या, एक इंटीजर वैल्यू ऐड कराना चाह रहे हो. तो जैसे इसका आउटपुट क्या आएगा ये देख लीजिए. आउटपुट ये है, माय नेम इज जॉन, आई एम 36. ये दिख रहा है ना आउटपुट? यस. हाँ, ये वाले अगर तुम इस तरीके से करते हो इस वाली लाइन के थ्रू तो एरर होगा, बट अगर इस तरीके से करोगे तो आपका क्या होगा, आउटपुट प्रॉपर आ जाएगा. यस. तो ये सिंपल सा आपको बताना था मुझे. और जैसे देखो अभी तो आपने सिंगल वाला यूज किया है, अब मल्टीपल यूज करना है तो आप मल्टीपल यूज कर सकते हो. जैसे देखो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है आपकी, 3, आइटम नंबर ये, प्राइस नंबर. अब तीनों को मुझे सेट करना है किसके अंदर, तीनों को इसके अंदर सेट करना है, माई ऑर्डर के अंदर. तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया आई वॉन्ट pieces of item for dollars. तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, इस वाले में मुझे 3 पास करना है, इस वाले में मुझे 567 पास करना है, इस वाले में क्या करना है 490 करना है. तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट फंक्शन यूज करूंगा. उसके बाद आपको फर्स्ट वाला क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा, कॉमा लगा के तीसरा. तो पहले में पहला चला जाएगा, दूसरे में दूसरा चला जाएगा, तीसरे में तीसरा चला जाएगा. ये वाली बात क्लियर हो रही है कि आपको?
ओके नहीं हो रही तो मैं सर इसकी सर आप इसकी रिकॉर्डिंग डाल दोगे ना व्हाट्सएप पे? हाँ डेफिनेटली आपकी इसको इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कैनवास पे मिलेगी बट ओके बेटा ये देखो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जांपल यूज किया ये दिख रहा है ना टीएक्सटी ये दिख रहा है टीएक्सटी ये इसके अंदर मुझे सेट कराना है कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जिस ब्रैकेट के अंदर तो मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं बी यूज करूंगा तो बी वाला भी इसके अंदर आ जाएगा अगर मैं एज वाला यूज करूँ टेन तो टेन भी आ जाएगा वो तो हम कोई भी पर्टिकुलर यूज करेंगे वो हाँ तो यहाँ पे एज है वो इंटीजर है टेन क्या है आपका यू बी क्या है आपका फ्लोट फ्लोट भी इसके अंदर चला जाएगा किसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर सपोज अभी मैं इसको एज कर रहा हूँ एज मैंने याद किया इसको मैंने सेव किया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ रन करूंगा तो यहाँ पे आएगा माय नेम इज जॉन एंड आई एम क्या आएगा आंसर आई एम टेन टेन वेरी गुड तो ये आया माय नेम इज जॉन ओके एरर आया है रीजन नॉट इन इंग्लिश जस्ट कहाँ पे आ रहा है जॉन इन टैक्स ये क्या है एरर किसने आया था मुझे बताएगा कोई लाइन नंबर ओके सर वो फ्लोट में है फ्लोट वाले में रीजन फ्लोट फ्लोट किधर ओके ये वाला है ना ई और इसको ऐड कर रहा हूँ वो ओके ई और इसको ऐड कर रहा हूँ ना ए में इस वाले में एरर था वेरी गुड ठीक है अब एरर हट जाएगा क्योंकि वो ऐड नहीं हो पा रहे थे अब मैं इसको रन कर रहा हूँ आप प्रॉपर रन इसमें आउटपुट में क्या आया माय नेम इज जॉन एंड आई एम टेन उसके बाद फॉल्स उसके बाद एरर तो इसके बाद ये फॉल्स उसके बाद एरर ये क्या ओके फिर वो ए नहीं है ना एज 10 ए को कुछ वैल्यू देना था तो वो दे दिया नीचे वाले बाकी के प्रोग्राम थे वो डिस्टर्ब हो गए इस वजह से अब नहीं आ रहा यू इज नॉट डिफाइंड यू कहां पे यूज किया है सर प्रिंट में प्रिंट के अंदर यू सर प्रिंट यू सर प्रिंट यू यू को बता देखो कि यू अंदर ऊपर का नहीं था ओके अब प्रॉपर कर दी ओके तो ये आया माय नेम इज जॉन एंड आई एम 10 अगर 10 की जगह पे मुझे कुछ और ऐड करना है तो ओके अगर मुझे कोई स्टूडेंट चाहता है कि जैसे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू है तो अगर मैं यहाँ पे जॉन के यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगा सकता हूँ ओके और यहाँ पे मैंने एक यूज कर लिया एज एज के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा कर देता हूँ बी सर तो एज पहले आएगा ना एज पहले आएगा और बी बाद में आएगा तो देखो अभी इसको रन होती है इसको मैं बताता हूँ एज तरीके से तो यहाँ पे एज 10 पहले आ गया और बी बाद में आया अगर स्पेस देना चाहते हो इसके बीच में तो स्पेस दे दीजिए तो स्पेस को क्या आएगा माय नेम इज जॉन 10 एंड आई एम 9.66 ये सारी चीज आ जाएगी ओके अब जैसे इंडेक्सिंग एज का इंडेक्स क्या है बेटा 0 और बी का इंडेक्स क्या है 1 तो अगर मैं बी वाला पहले चाहिए तो मैं क्या करूंगा बी का इंडेक्स यहाँ पे 1 कर दूंगा और एज का इंडेक्स यहाँ पे 0 सेट कर दूंगा तो अब क्या होगा एज वाला बाद में आएगा और बी वाला पहले आएगा ये वाला भी आप कर सकते हैं इंडेक्स के लिए तो ये देख समझ में आया आपको यस सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सर एक बार एक्सप्लेन नो सर आ गया समझ में एक्सप्लेन कर रहा है जैसे क्या होता है यहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू करना है इंडेक्सिंग आपके सामने कोड अपना जैसे क्या होता है इंडेक्सिंग भी होती जाती है जैसे यहाँ पे एज और बी ये दो अलग अलग क्या है दो इंटीजर है ना इंटीजर या वैल्यूज कुछ भी फ्लोट वगैरह वेरिएबल है इनको आप ऐड कर रहे हो किसके अंदर टीएक्सटी के अंदर ऐड कर रहे हो किसके अंदर कर रहे हो टीएक्सटी के अंदर ऐड कर रहे हो और यहाँ पे आपने टीएक्सटी के अंदर दो वाले दो कर्ली ब्रैकेट यूज किए हुए हैं तो अब इनका आपको पता भी तो होना चाहिए कौन सा कहाँ पे आना चाहिए पहले आना चाहिए कौन सा बाद में आना चाहिए तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे इंडेक्स भी यूज कर सकते हो अगर आप इसको इंडेक्स यूज नहीं करोगे पहला वाला पहले में जाएगा दूसरा वाला दूसरे में जाएगा और भी जितने भी यूज करोगे तीसरा तीसरे में चौथा चौथे में इस तरीके से जाएगा सर हाँ सर जैसे सी लैंग्वेज में सर स्कैनएफ से जो यूजर होता है वो इनपुट दे सकता है तो सर हाँ। ऐसे ही पाइथन में कैसे देते हैं पाइथन में तो डायरेक्ट इनपुट फंक्शन यूज करोगे आ जाएगा सबसे फर्स्ट में मैंने यूज कराया था ना एंड पैरेंट फंक्शन हाँ, वो तो सबसे पहले ही मैंने कराया था सर आपने बताया तो था आपने वो किया था ना मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल
तो आप लोगों को मैं एक चीज और सजेशन कर रहा हूँ, आप लेसन नंबर 3 को फिर से देखें, लेसन नंबर 2 को देखें, लेसन नंबर 1 को भी देखें। अगर अभी आप इसको बार बार देख लेते हो ना, तो आपके जो भी जो डाउट छूट गए ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके सर, आप इंडेक्स वाला बताया वो आप फिर से बता सकते हैं, आप सर्किल दिखा सकते हैं। इंडेक्सिंग में मैंने ये बताया है आपको, जैसे देखो क्या होता है, माय नेम इज जॉन 10, आपने इसमें इंडेक्स करके कर सकते हैं उसमें। हाँ, एक मिनट, माय नेम इज जॉन और 10। ओके, देखो यहाँ पे जो एज है, यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल पास कराने हैं, किसमें, txt वाली स्ट्रिंग के अंदर, किसके अंदर कराने हैं, दो वेरिएबल। तो एक तो यहाँ पे आएगा इस वाले इसमें ब्रैकेट में, एक आएगा इसमें। तो अगर मैं अभी इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं डालता, क्या नहीं करता बेटा, कोई भी इंडेक्स नहीं डालता, तो एज वाला है वो पहले में आ जाएगा, बी वाला इसमें आ जाएगा। एज के अंदर वैल्यू क्या है, 10 है, और बी के अंदर वैल्यू है 9.6। तो पहले वाले में 10 आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा बेटा, 9.66 आएगा। ओके, देखो पहले वाले में आया 10 और दूसरे वाले में आया 9.6। अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर को इंडेक्सिंग से एक्सेस हो, जैसे पहले वाले में, जैसे इसका इंडेक्स तो 0 होता है पहले वाले का, दूसरे का क्या होता है 1 होगा, तीसरे का 2 होगा, इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। तो अगर आप चाहते हो ये पहला वाला इधर आए और दूसरा वाला इधर आए, तो इसका इंडेक्स क्या है 0, तो इसका पहले वाले का इंडेक्स अगर लास्ट में चाहते हो तो 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए, और जो लास्ट वाला है मतलब इसका इंडेक्स 1 है, उसको अगर आप पहले चाहते हो तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। इसको आप सेव करोगे, इसके बाद इसको रन करोगे, कराओगे, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जो दूसरा वाला है वो पहले आ जाएगा 9.66, और ये पहला वाला है वो दूसरे में आ जाएगा। ओके सर, क्लियर हो रहा है ना? यस सर, क्लियर हो रहा है। हाँ, अगर इंडेक्स नहीं करोगे तो पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, अगर आपने इंडेक्स से चेंज कर सकते हो, वैसे आपको जो करना है वो कर सकते हो इंडेक्स से। अगर आप 0 पहले में करोगे तो 0 आ जाएगा इसमें, अगर 1 करोगे इधर तो ये 1 वाला इधर आ जाएगा, और भी बहुत सारे होते हैं। ऐसे हम मल्टीपल में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी का? ओके, तो अभी आपको ये वाला जो स्लाइड है ना, ये स्ट्रिंग का स्लाइड है, ये वाला स्लाइड मैं अपलोड कर चुका हूँ, किस पे, किस पे अपलोड कर चुका हूँ, कैनवास पे सर, तो उसको चेक कर लेना। ये वाला इंडेक्सिंग वाला एग्जांपल ये दिखा है, आई वांट टू पे 2, इसमें 2 को ऐड कर दिया, तो 2 वाला कौन सा है, ये प्राइस, तो प्राइस पहले आ जाएगा आउटपुट में। ओके, और यहाँ पे डॉलर 0 करोगे तो 0 कौन सा है, क्वान्टिटी 3 वाला, तो 3 सेकंड पे आएगा, और लास्ट वाले में बंद कर दिया, तो बंद क्या है आपका आइटम नंबर, तो ये पहले आ जाएगा, मुझे सबसे लास्ट में जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, तो अब आज क्लास यहीं पे ऑफ करें। हाँ, सभी स्टूडेंट्स, यस सर, यस सर, हाँ, आपको अच्छे से पढ़ना है और सारी चीजें क्लियर करते रहो। आज मेरी कंटिन्यूटी में 3 क्लास थी, तो इस वजह से थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी तो आपकी एक और, यस सर, आपकी अभी तो एक और है।